हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टेकी तारुण। आज की डेट में हम बात करेंगे नेक्सॉन ईवीज के नेगेटिव्स के बारे में। बहुत लोगों ने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा है कि आप नेगेटिव की वीडियो बनाइए कि नेगेटिव्स क्या हैं या क्या डिसलाइक्स हैं आपको नेक्सॉन ईवी के रिगार्डिंग। सो आज उसके बारे में बात करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, पहला पॉइंट अगर नेगेटिव्स की बात करें तो सबसे बड़ी चीज़ है ये जो आपको दिख रहा है, क्रूज कंट्रोल। 16-17 लाख की अगर आप गाड़ी खरीदते हैं और उसमें क्रूज कंट्रोल ना मिले, स्पेशली एक इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी में, तो बहुत बड़ा मिसिंग है। क्योंकि सर, क्योंकि अगर इसमें क्रूज कंट्रोल हो तो आप मान सकते हैं कि इसकी जो रेंज है वो एक तो इम्प्रूव होगी कहीं ना कहीं, क्योंकि इसमें वो कोस्टिंग वाला ऑप्शन आ जाएगा जो मैंने अपनी इंक्रीज वाली वीडियो में बनाया, इंक्रीज ऑफ रेंज वाली में। और इससे बेसिकली आपको एक रिलैक्स मोड मिलेगा। आपको जब हाईवे पे चला रहे हैं वैसे चला रहे हैं, आपको कॉन्स्टेंट स्पीड मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, रेंज इंप्रूव होगी। और ये मस्ट हैव फीचर है जो आजकल नॉर्मली हर गाड़ियों में आ जाता है जो इस रेंज में आएंगी। सो गाइस, दूसरा इश्यू अगर मैं आपको बताऊं तो वो है सॉफ्टवेयर ग्लिचेस। नेक्सॉन ईवी में सॉफ्टवेयर ग्लिचेस कब स्टार्ट होते हैं? जब गाड़ी में ज्यादातर इश्यू होते हैं जब चार्जिंग के टाइम पे सेल इम्बेलेंसिंग हो जाती है। गाड़ी 100% चार्ज नहीं होती और सेल इम्बेलेंसिंग होती है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है। जैसे आपको पता है, अभी आपको दिख भी नहीं रहा होगा, जैसे ये लाइट वाले प्रॉब्लम तो है ही, खैर ये तो लाइट दिखती ही नहीं है दिन में। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये आपको देखनी पड़ती है, या तो आप यहाँ पे देखें सामने ना। तो सबसे इशू वाला इशू आता है गाड़ी ड्राइव करते करते ऑटोमेटिकली न्यूट्रल में चली जाती है, जो मैंने आपको अपनी कटर वाली वीडियो में बताया था, वो एक सॉफ्टवेयर ग्लिच है। दूसरा ग्लिच है गाइस, जैसे अगर यहाँ पे रेंज आकर आपको दिखा रहा हूँ 100% है और 148 किलोमीटर दिखा रहा है, सडनली रेंज ड्रॉप हो जाए, सडनली इन परसेंटेज आपकी गिरने लगे। और ये भी मेरे साथ हो चुका है कटरा वाली ट्रिप में, वो भी सेल इम्बेलेंसिंग की वजह से हुआ था। क्रिटिकल अलर्ट्स आते हैं गाड़ी में जस्ट इन केस कोई क्लिच आ जाए, कुछ आ जाए, उसके लिए आपको हार्ड रिबूट करना पड़ता है। जैसे आपको 12 वॉट की बैटरी को बेसिकली डिस्कनेक्ट करना पड़ता है, उसके बाद कनेक्ट करना पड़ता है, तब गाड़ी स्टार्ट होती है, वरना गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। अगर उसके बाद भी अगर दिक्कत आएगी तो आपको सर्विस सेंटर जाना पड़ता है। तो टाटा नीड्स टू इम्प्रूव अ लिटिल बिट ऑन देयर सॉफ्टवेयर ग्लिचेस, क्योंकि सॉफ्टवेयर ग्लिचेस होते हैं। और गाइज, एक बार और चीज़, कभी एक बार ऐसा हो चुका है मेरे साथ कि ये स्क्रीन बेसिकली पूरी ब्लैकआउट हो गई थी जब मैंने स्टार्ट करी, और 2-3 मिनट तक स्क्रीन आई नहीं थी, फिर फाइनली स्क्रीन रिफ्रेश हुई और फिर स्टार्ट हुआ सब कुछ सारा सिस्टम। और ये गाड़ी चलते चलते हुआ था जबकि गाड़ी चल रही थी और सामने से डिस्प्ले ऑफ हो गई। सो सॉफ्टवेयर नीड टू बी इम्प्रूव्ड, और थोड़ा बहुत टेक सपोर्ट बढ़ाना चाहिए, मतलब टाटा को थोड़ा इंप्रूव करना चाहिए सॉफ्टवेयर ग्लिचेस को, और वो ओवर द पीरियड आई थिंक अपडेट्स के साथ इंप्रूव हो सकता है। गाइस, तीसरा पॉइंट है कॉस्ट कटिंग। आप विश्वास नहीं मानेंगे, मतलब ये मेरी सेकंड टाटा की गाड़ी है और ये मैंने टाटा के साथ ओवर द पीरियड ऑब्जर्व करा है कि टाटा जब कोई नया प्रोडक्ट लेके आता है, जैसे अभी ये नेक्सॉन ईवी आप देख रहे हैं, नेक्सॉन ईवी जब नई आई थी तो उसमें टन्स ऑफ फीचर्स थे जिस प्राइस रेंज में मैंने गाड़ी खरीदी है। ये एक्सजेड प्लस मॉडल है, इसमें अब ये वाले बटन्स नहीं आते हैं गाइस। अगर जो कोई अभी आप खरीदने जाओगे तो ये बटन मिसिंग है। और मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ, अगर आप ये हैंडल्स देखेंगे जो बेसिकली सपोर्ट के होती हैं, ये फिक्स है। और मेरी टिगोर में ये फोल्डेबल आते थे, मतलब 16-17 लाख की आप गाड़ी खरीद रहे हो और उसमें इसको फोल्डेबल ना दो। ऊपर से आर्मरेस्ट नहीं है, आर्मरेस्ट टॉप फीचर में चला गया है, ये भी हटा दिया गया है, और ये वाले जो हेडरेस्ट हैं पीछे फिक्स कर दिए गए हैं। और मतलब ये छोटे मोटे फीचर्स हैं जो बेसिकली टाटा को सोचने चाहिए, इतनी कॉस्ट कटिंग इससे नहीं होती। ये हटाने से मतलब थोड़ा अजीब लगता है। और ये ग्लव बॉक्स यहाँ पे ये दे रखा है, मुझे समझ नहीं आया आज तक, क्योंकि मेरा कभी फर्स्ट इसमें ढंग से फिट नहीं होता। या तो इसको ये पूरा केस बना देते फोल्डिंग वाला जिसमें बेसिकली आप अपना गॉगल्स या कुछ आप रख सकते हो प्रॉपरली। तो मतलब वो ये कुछ फीचर्स हैं जो टाटा को इम्प्रूव करने चाहिए थे। कॉस्ट कटिंग करने से मतलब मेरे को समझ नहीं आया आज तक कि 16-17 लाख की गाड़ी में इतने छोटे मोटे फीचर्स कम करके क्या कॉस्ट कटिंग कर लेंगे। तो गाइस, नेक्स्ट इशू है एक गाड़ी के साथ। जैसे आपको पता है गाड़ी के साथ ये स्लो चार्जर आता है, ये एक्चुअल में 3 किलोवाट के आसपास का चार्जर है और टाटा ने प्रेफर करा है 3 किलोवाट का चार्जर। स्लो चार्जिंग कराकर पता हो तो स्लो चार्जिंग की चार्जिंग होती है हर 10% 1 घंटे के अंदर। टाटा को कम से कम 7 किलोवाट का चार्जर या 5 किलोवाट का चार्जर देना चाहिए था साथ में, उससे एक तो चार्जिंग की जो टाइमिंग है वो कम हो जाती, स्पीड ज़्यादा हो जाती, स्लो चार्जिंग में भी थोड़ी स्पीड सही रहती, ना कि इतनी ज़्यादा रेंज टाइम होती, क्योंकि इससे पावर कंजम्पशन टाइम कंजम्पशन कम होता। मेरे को पता है इससे सेल बेसिकली बैटरी कनेक्टेड है कि बैटरी की लाइफ इंप्रूव होती है, लेकिन ऑन द लॉन्ग रन सेल कहीं ना कहीं डिग्रेड करेंगे ही, तो बेटर है कि ढंग का चार्जर देते, मतलब थोड़ा हाई किलोवाट का चार्जर देते जिससे टाइम कंजम्पशन कम रहती। और गाइस, लास्ट चीज़ जो मैं टाटा नेक्सॉन ईवी के बारे में बिल्कुल भी पसंद नहीं करता हूँ, वो है इसकी हेडलाइट्स या प्रोजेक्टर लाइट्स आप कह सकते हैं, जिसका थ्रो अगर मैं मतलब हाई बीम पे करूँ तो फिर भी ठीक है, लो बीम पे बिल्कुल भी लाइट नहीं है। मतलब मुझे सबसे ज़्यादा दुख ये लगता है कि इतनी महंगी गाड़ी में
लाइट्स ढंग की नहीं दिया टाटा ने, और वो चीज मुझे सबसे ज्यादा खलती है क्योंकि इसका थ्रो बहुत ज्यादा बेकार है, स्पेशली लो बीम पे। हाई बीम पे फिर भी बढ़िया है, लेकिन लो बीम पे बहुत ज्यादा बेकार है। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा ऐसी सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के बारे में। थैंक यू गाइज।